हेलो एवरीवन वेलकम टू एवरी वन वेलकम टूडे वे बैक अगेन विद द न्यू वीडियो एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिम केट इलेवन का एक एल आर पजल काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर विजुलाइज नहीं हो पा रहा है सोल्यूशन से भी समझ में नहीं आया यार क्या आपका क्या थॉट प्रोसेस रहेगा इस पजल के रिलेटेड और क्या आप कुछ इनोवेटिव वे हमें बता सकते हो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको फोर सेट बैंडाग्राम में मैंने पूरा गेम चेंज कर दिया था कि यार बैंडाग्राम को आप किस तरह से देखते हो तो यहाँ पे भी एक नया अप्रोच जो शायद आपके दिमाग में नहीं आया हो शायद किसी के दिमाग में आ भी गया हो बट बहुत रेयर स्टूडेंट्स होंगे जिनके दिमाग में ये अप्रोच आया होगा तो किस तरह से इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इजीली हम लोग सॉल्व कर पाते हैं वो आज इस वीडियो में चेक करेंगे जिन्होंने सिमकेट इलेवन अभी तक नहीं दिया है वीडियो को देखने का जरूरत नहीं है बाद में आके जरूर देखना है एक बार सिमकेट इलेवन जब आप दे दोगे ठीक है नाउ बिफोर स्टार्टिंग टूडेज़ वीडियो एक uh, दो तीन चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ uh, एक तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर एल आर डी जो 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 वीडियोज़ हैं वो कौन कौन से आपके कवर करना मैंडेटरी है तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा वहाँ पर मैं सेट्स ऐड करता जाऊँगा जो जो इंपॉर्टेंट सेट्स हैं और आपको कैट से पहले करने हैं सो दैट आप उनको चेक कर पाओ एंड उनको कम्प्लीट कर पाओ ठीक है और इसके अलावा अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं करा है भैया ज्वाइन कर लो आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिलती रहती है जो भी सेशनज होते हैं फेसबुक ग्रुप पे वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाती है बाकी आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो एंड थर्ड जो चीज़ है डेली बेसिस पे सिक्स पी एम सेवन पी एम एट पी एम नाइन पी एम ये हर टाइम आपके जो प्रैक्टिस है वो मैं कंडक्ट करा रहा हूँ एन मेड रिलेटेड ओमेड रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है कैट के अलावा उनके लिए प्रैक्टिस वहाँ पे होता है हम बीए पोर्शन आरसी पोर्शन देन इसके अलावा जैसे सिलोजम्स के क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं या इनपुट आउटपुट है ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी करते रहेंगे ठीक है तो आप मेक श्योर sure आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो एंड अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं और वो हमारे फेसबुक ग्रुप में एडिट नहीं है तो उनके साथ लिंक जरूर शेयर करना सो so दैट वो भी पार्ट उसका बन पाए ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं आज का पजल स्टेटमेंट मैं आपको एक बार विजिबल करा दे रहा हूँ सो दैट आप स्टेटमेंट को गो थ्रू कर पाओ ये आपके सामने स्टेटमेंट अवेलेबल है स्टार्ट कर दो इसको रीड करना इट वाज गिवन दैट एंडरसन बुश कुछ फाइव नेम्स हैं सर्वड एज गनर्स ऑफ फ्लोरिडा फ्रॉम नाइनटीन टू एटी एक यहाँ पे प्रॉब्लम है पजल uh, में जो मुझे लगता है अगर आई मेंशन कर देता तो ज़्यादा बेटर रहता शायद आपके दिमाग में भी ये पॉइंट आया हो अगर नहीं आया तो आप अभी समझ जाओगे कि यार क्या यहाँ पे एक प्रॉब्लम था ठीक है टोटल मेरे पास फाइव पर्सन है फ्राम फ्लोरिडा एंड देन मेरे पास फाइव पर्सन है फ्राम न्यूयॉर्क जो गवर्नर्स बने हैं डिफरेंट टर्म्स के अंदर ठीक है Now it also says that 51 एटी थ्री तक का डाटा है order. Order ध्यान से समझना मेन बात क्या होती है कि यार क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर लेता है ठीक है कोई पंद्रह मिनट में कर रहा है कोई बीस मिनट में कर रहा है कोई पच्चीस में कर रहा है कोई तीस में कर रहा है बट बात है अभी क्योंकि फोर्टी मिनट्स का एग्जाम हो चुका है तो यार नॉर्मल कॉपी बुक स्टाइल की अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल अप्रोच हो सबको ही पता है उसी अप्रोच से ही सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं बैठ पाएंगी एग्जाम कंडीशन में तो एग्जाम कंडीशन में अगर जल्दी से जल्दी सोल्व करना चाहते हो और अपने नंबर ऑफ सेट्स जो आप सोल्व करोगे एक्यूरेसी के साथ में बढ़ाना चाहते हो तो आपको थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे अपने सॉल्व करने के बेस में आज जो है अगेन मैंने जैसे पहले बताया था फोर्थ एडवेंट डायग्राम में कि पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करता है अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है मैं वीडियो का लिंक दूंगा जरूर चेक करना यहां पे भी हम वही चीज कुछ करने का ट्राई करेंगे कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लोग किसी तरीके से कर पाए ठीक है और इसको एक कंसेप्ट के साथ रिलेट भी करेंगे शायद आपको ध्यान में होगा हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था बूस्टर में भी रिसेंटली पढ़ा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक टॉपिक है एल आर डी आई के जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे वहाँ पे भी मैंने डाला हुआ है सेम कंसेप्ट शायद आप कर चुके हो और आप रिलेट कर पाओ अगर नहीं किया है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लिख के मैं वीडियो का लिंक डाल दूँगा आप वो भी चेक कर सकते हो ठीक है उसके साथ इसको रिलेट करने का ट्राई करेंगे मेरे पास कुछ चीजें गिवन थी और इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेबल क्या है जैसे एंडरसन और स्टैली में यहां पे आप चेक करते रहिए एंडरसन और स्टैनली के बीच में टूयर्स का कॉमन है तो वो क्या कह रहा है कि एंडरसन और स्टैनली का जो वर्क एक्सपीरियंस है आपस में जो ओवरलैप होगा या कॉमन होगा दैट विल बी फॉर टू ईयर्स टू ईयर्स में एंडरसन एंड स्टैनली का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कॉमन होने वाला है सिमिलरली फॉर बुश एंड रॉजर टू ईयर कॉमन होगा सिमिलरली फॉर बुश एंड स्टैनली टू ईर्स कॉमन होगा यहाँ पे आई एम एस से एक मिस्टेक हुआ है वो ये चीज मेंशन करना रह गया उनसे कि भाई अगर एंडरसन और स्टैनली का कुछ कॉमन है टू इयर्स का तो उन्होंने ये मेंशन नहीं करा कि यार एंडरसन का इयर्स एक साथ कॉमन होगा स्टैनली के साथ में ऐसा भी हो सकता है वन ईयर एंडरसन का कॉमन हो देन एंडरसन के बाद में बुश आ जाए देन एंडरसन का वन ईयर दोबारा से आ जाए तो अगर टेन्योर की बात हो रही है उनको यहां पे एक चीज मेंशन कर देना चाहिए था कि यार एक पर्सन एक ही बारी गवर्नर बन सकता है अगर वो ये मेंशन कर देते तो ये क्वेश्चन ज्यादा सेंस बनाता अदरवाइज तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं कैसे वो अभी आपको समझ में आएगा ठीक है हमने बात करा एक जेफरसन के रिलेटेड एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि यार जेफरसन जो है फिफ्टी सेवन से लेकर सिक्सटी थ्री तक वर्क करता है देखते हैं कैसे होता है हम बात कर रहे हैं यार जेफरसन है कोई पर्सन ठीक है जेफरसन को एक मैं बार ग्राफ के फॉर्म में मैंशन करने वाला हूँ कि यार ये जेफरसन का टाइम पीरियड है ये उसका टेन्योर है उसने फिफ्टी सेवन से लेकर सिक्सटी थ्री तक वर्क किया 57 से लेकर 63 तक उसने वर्क किया है और कितने इयर्स हो गए या सिक्स इयर्स हो गए ठीक है देन इसके बाद में मुझे ये गिवन था यार टेबल में कुछ वैल्यूज मिसिंग भी हैं जैसे एंडरसन और कार्ट, कार्टर एंडरसन और पीटरसन एंडरसन एंड रॉजर ये वैल्यूज मिसिंग है तो मैं मेरे दिमाग में आता है, शायद यार उसमें कुछ वैल्यू हो शायद उसमें कुछ वैल्यू ना हो हमें पता नहीं चलता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता बट बात क्या है अगर मैं कॉमन ईयर्स निकालू एंडरसन का स्टैनली के साथ टू ईयर्स का है बुश का रॉजर के साथ टू ईयर्स का है सारे ईयर्स को मैं ऐड करता हूँ टोटल फिफ्टी से लेकर एटी तक मेरे पास थर्टी टू का डाटा है थर्टी टू के 32 इयर्स ऑलरेडी टेबल में कॉमन हो चुके हैं मतलब एंडरसन और कार्टर के बीच में कोई भी इयर्स कॉमन नहीं होंगे एंडरसन एंड पीटरसन के बीच में कोई भी इयर्स कॉमन नहीं होंगे सिमिलरली फॉर ऑल द मिसिंग वैल्यूज तो जो वैल्यूज मिसिंग जो वैल्यूज ऑलरेडी गिवन थे वो ऑलरेडी उन्होंने थर्टी टू का डाटा जो है वो फुलफिल कर दिया मतलब जो ब्लैंक स्पेसिस है वहां पर तो कुछ भी नहीं होगा नाउ ये जो मेरे पास डेटा है ये जेफरसन का डाटा है ठीक है यार अगर ये जेफरसन का डाटा है मुझे पता है यार ये 57 से स्टार्ट हो रहा है और मेरा गेम इवेंचुअली स्टार्ट कहां से होता था मेरा गेम स्टार्ट हो रहा था 51 से मतलब क्या यार 51 से लेके 57 तक मेरे पास सिर्फ सिक्स इयर्स का डाटा है और अगर मैं एंडरसन की बात करता हूँ एंडरसन का टू ईयर्स कॉमन है स्टैनली के साथ में बुश का टू ईयर्स रॉजर के साथ में टू ईयर स्टैनली के साथ में तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ईयर्स की बात करता हूँ एंडरसन के लिए एंडरसन के लिए मेरे पास टोटल ईयर्स कितने हैं टू ईयर्स है

जेफरसन जो था वो सिक्स ईयर्स के लिए था जिसमें से उसके टू ईयर्स पीटरसन के साथ कॉमन थे फोर ईयर्स उसके स्टैनली के साथ कॉमन थे मतलब ये जो सिक्स ईयर्स का डाटा है इनमें से कोई टू ईयर्स उसके कॉमन होंगे पीटरसन के साथ में और बाकी के फोर ईयर्स स्टैनली के साथ कॉमन मान लो ऐसा हो जाए कि यार यहाँ पे जेफरसन और पीटरसन के टू ईयर्स कॉमन हो गए और बाकी जो फोर ईयर्स कॉमन है स्टैनली के साथ में दैट विल बी टू ईयर्स यहाँ पे कॉमन हो गए स्टैनली के साथ में बाकी के टू ईयर्स यहाँ पे कॉमन हो गए स्टैनली के साथ में ये भी गिवन था क्योंकि उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं करा है कि यार उनका टेन्योर जो है वो एक ही बार वो बनेंगे गवर्नर उसके बाद में दोबारा गवर्नर नहीं बन सकते अगर वो पॉइंट गिवन रहता फिर तो यार मैं डायरेक्टली अज्यूम कर लेता कि स्टैनली और स्टैनली यहां पे ब्रेक नहीं कर सकते बट इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि यार वो ब्रेक कर सकते हैं नहीं अगर वो डायरेक्टली गिवन करा देता कि यार हर एक पर्सन एक ही बार गवर्नर बन सकता है तो हम लोग रिलेट कर पाते और उन्होंने जो एक्चुअल में क्वेश्चन बनाया है वो इस चीज़ को ज्यूम करके ही बनाया कि यार एक पर्सन अगर गवर्नर बनेगा तो वो एक ही बार बनेगा जिसके चलते मुझे क्या पता चलता है मान लो स्टैनली का बुश के साथ में टू ईयर्स कॉमन है तो अगर स्टैनली के टू ईयर यहाँ पे हो गए स्टैली के टू ईयर यहाँ पे हो गए अब स्टैनली के ऊपर कहीं पे टू ईयर्स भी तो हो सकते थे जो कि उसके कॉमन है बुश के साथ में तो कुछ भी हो सकता है जस्ट बिकॉज उन्होंने मेंशन नहीं करा कि गवर्नर अगर कोई एक बार बनेगा तो वो हट जाएगा तो दोबारा नहीं बन सकता लिख देते डायरेक्टली वो बेटर रहता यहां पे उन्होंने चीजें अधूरी छोड़ दी हैं तो शायद आपको समझने में यहाँ पे भी प्रॉब्लम हुआ हो सकता है कि यार वो जो टेन्योर है वो ब्रेक करेगा या नहीं करेगा ठीक है हम यहाँ पे जो क्वेश्चन का एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कि यार जो टेन्योर है उनका ब्रेक नहीं कर सकता मतलब अगर जेफरसन वर्क कर रहा है तो वो सिक्स ईयर्स अगर वर्क कर रहा है तो सिक्स ईयर कंटिन्यूस वर्क करेगा अगर पीयर्स एट ईयर वर्क कर रहा है तो वो कंटिन्यूस एट ईयर वर्क करेगा अगर एंडरसन वर्क कर रहा है टू ईयर तो कंटिन्यूस टू ईयर्स वो वर्क करेगा ऐसा नहीं है कि वन ईयर वो अलग जगह पे वर्क कर रहा है और वन ईयर वो बाद में आके कभी वर्क कर रहा है वैसा नहीं हो रहा है ठीक है

तो पीटरसन को ऊपर यहां पे शिफ्ट होना पड़ेगा स्टूअर्ट के साथ में आई होप ये समझ पा रहे हो ये वाला जो पॉइंट होगा ये कॉमन होगा पीटरसन का स्टूअर्ट के साथ में आई होप ये पॉइंट समझ रहे हो ये समझाने के लिए ऐसा होगा ही होगा या नहीं होगा ये नहीं पता है जब समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यार कॉमन को मैं इस तरह से लिखने वाला हूं ठीक है और आगे मूव करते एक बारी बस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को समझना है आपको जैसे समझ गए उसके बाद में तो केक वॉक बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास एक चीज और है यार 51 से स्टार्ट हो रहा है डाटा फिफ्टी सेवन तक मेरे पास सिर्फ सिक्स ईयर्स का ही डेटा है तो अगर मैं सिक्स ईयर्स में यहाँ पे किसी को एडजस्ट कराना चाहता हूँ तो क्या यहाँ पे पेयर्स एडजस्ट हो सकता है ऊपर नहीं हो सकता पीयर एडजस्ट क्योंकि एट ईयर है यहाँ पेयर्स का डेटा है मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है स्टूअर्ट के लिए पॉसिबल नहीं है एंडरसन एंड बुश बचे हैं जिनका टू और फोर ईयर्स का है तो मुझे क्या पता चला या तो एंडरसन यहाँ पे टूयर्स आएगा या फिर बुश यहाँ पे फोर ईयर्स आएगा अगर बुश यहाँ पे फोर ईयर्स आएगा तो एंडरसन यहाँ पे टू ईयर्स आ जाएगा और अगर एंडरसन यहाँ पे टू ईयर आ जाएगा तो बुश यहाँ पे सिक्स ईयर्स आ जाएगा जा आई होप रिलेट कर पा रहे हो मेरे साथ में अगर रिलेट कर पा रहे हो तो एक बार लाइक देके या कमेंट देके बता देना कि यार हाँ समझ में आया कोई दिक्कत नहीं देन इसके बाद में हम लोग और आगे बढ़ते हैं हमने बोला यार जेफरसन का कॉमन किसके साथ में है पीटरसन के साथ में और स्टैनली के साथ में ठीक है पीटरसन और स्टैनली के साथ में उसका कॉमन है तो यार मान लो मैंने क्या बोला कि यार पीटरसन का टू रिप्रेजेंट करा देता हूँ जेफरसन का पीटरसन के साथ में यहाँ पे टू ईयर्स कॉमन है ये नीचे वाला टू ईयर्स भी कॉमन हो सकता था ऊपर वाला भी हो सकता था एक ले रहे हैं कि यार ऊपर वाला अगर कॉमन है तो क्या होगा टू ईयर्स अगर ऊपर वाला कॉमन है मतलब क्या हुआ यार ये जो है वो पीटरसन के ईयर्स हैं अगर ये पीटरसन के ईयर्स हैं तो जेफरसन और स्टैनली के फोर ईयर्स कॉमन है मतलब ये वाले जो है वो फोर ईयर्स कॉमन होंगे फोर ईयर्स कॉमन होंगे किसके साथ में स्टैनली के साथ में ठीक है अब अगर मैं बात करता हूं uh, पीटरसन की पीटरसन का स्टूअर्ट के साथ सिक्स ईयर्स कॉमन है मतलब पीटरसन और स्टूअर्ट सिक्स ईयर्स तो यही होंगे ना ये सारे सिक्स ईयर्स हो जाएंगे दैट इज़ पीटरसन और किसका कॉमन है स्टूअर्ट का कॉमन है

फिफ्टी वन से भी पीछे तक क्या ये चीज पॉसिबल है नहीं पॉसिबल तो यार अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है मेरे पास दूसरा केस क्या होगा पहले मैंने पीटरसन को ऊपर रख दिया था ऊपर वाले टू ईयर्स अब मैं पीटरसन के नीचे वाले जो दो ईयरस हैं वो काउंट कर लूंगा एंड मैं प्रोसीड कर जाऊंगा ठीक है जी आई होप समझ में आया होगा ये पॉइंट अब हम क्या कर रहे हैं पीटरसन का टू ईयर्स कॉमन था तो हमने बोला यार ये नीचे वाला टू ईयर्स कॉमन है पीटरसन का ठीक है अब ऊपर की बात अगर हम करते हैं तो स्टैनली और जेफरसन का कॉमन था तो भैया स्टैनली यहां पे आ जाएगा फोर इयर्स ठीक है और आगे मूव करने का ट्राई करते हैं मुझे पता है पीटरसन और स्टुअर्ट के बीच में सिक्स इयर्स कॉमन है तो पीटरसन और स्टुअर्ट में सिक्स इयर्स कॉमन है पीटरसन यहां पे आ गया और स्टुअर्ट आ जाएगा इस पॉइंट पे स्टुअर्ट लिख देते ठीक है ना स्टुअर्ट का रूस बेल्ट के साथ भी कॉमन है ये देखो साथ में सिक्स इयर्स फिर से कॉमन है मतलब क्या हुआ यार स्टुअर्ट और नीचे चला जाएगा सिक्स इयर्स यहां पे है स्टुअर्ट यहां पे है देन मेरे पास कौन गिवन है रूस जो भी लिख सकते हो रूस लिख दो कड़ी कड़ी चीज रखा, रखा उसको लिंक करा चीज रखा उसको लिंक करा इसी तरह से हम आगे आगे लिंक करने का ट्राई करने वाले हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में क्या गिवन हैल्ट का फोर ईयर्स कॉमन है पियर्स के साथ में रूस वेल्ट का फोर ईयर्स कॉमन है पियर्स के साथ में मतलब यहां पे फोर ईयर और आ जाएगा फोर ईयर्स और आ गया रूस वेल्ड के लिए कि रूस यहां पे हो गया और साथ में हो गया पियर्स यहाँ पे फोर ईयर्स पियर्स कॉमन आ गया ना देन इसके बाद में क्या गिवन है कि यार पियर्स का कार्टर के साथ भी फोर ईयर्स कॉमन है पियर्स का कार्टर के साथ में आई होप आपको दिख रहा है ज्यादा नीचे नहीं चला गया एक सेकेंड कैमरा एडजस्ट कर लूँ मैं ठीक है देन इसके बाद में पीयर्स का यहाँ पे फोर है रूस का फोर है देन पीयर्स का कह रहा है कि यार कार्टर के साथ भी उसका लिंक है फोर ईयर्स का मतलब पीयर्स और फोर ईयर वॉक करेगा और ये फोर ईयर्स किसके साथ कॉमन हो जाएगा ये जो फोर ईयर होगा ये कार्टर के साथ कॉमन हो जाएगा ठीक है टोटल मेरे पास 63 से लेकर 6 प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस फोर टोटल 20 इयर्स हो चुके हैं मतलब 83 का डेटा मेरे तक यहाँ तक आ चुका है यहाँ पे 83 हो चुका है कंप्लीट 63 थ्री प्लस सिक्स यहाँ पे मेरे पास डेटा जो था सिक्सटी 69 से चलना स्टार्ट हुआ देन इसके बाद में 75 फाइव देन इसके बाद में 79 यहां तक मेरा 83 का डाटा जो है वो कवर अप हो चुका है देन इसके बाद में और आगे मूव करते हैं हमारे पास ऊपर की अगर हम बात करते हैं स्टैनली का जो लिंक था वो बुश के साथ में भी था और स्टैनली एंडरसन के साथ में भी था और बुश का रॉजर के साथ भी लिंक था ठीक है बुश का रॉजर के साथ भी लिंक है और बुश का स्टैनली के साथ भी लिंक है तो मतलब यार स्टैनली का टू ईयर्स का तो लिंक आना ही आना है स्टैनली का टू ईयर्स का तो लिंक आएगा ही आएगा दैट इज ये स्टैनली का लिंक है ये स्टैनली का जो लिंक होगा या या के साथ होगा बुश के साथ होगा अभी मुझे नहीं पता है तो यार कैसे देखें इसको ध्यान देखो इस चीज का कि यार अगर मैंने स्टैनली और बुश का ये लिंक बना दिया अगर मैंने स्टैनली और बुश का ये लिंक बना दिया कि भैया यहाँ पे बुश है देन इसके बाद में बुश का रॉजर के साथ लिंक हो जाएगा मतलब बुश यहाँ पे आ जाएगा टू बुश यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ब्रेक नहीं करा सकते तो रॉजर यहाँ पे आ जाएगा अब जो है वो मेरा स्टैनली ब्रेक हो गया क्योंकि स्टैनली और एंडरसन के बीच में मुझे टू ईयर्स कॉमन रखने हैं तो यहाँ पे ब्रेक हो गया विच इज नॉट पॉसिबल तो इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने यहाँ पे चीज रखा बुश के लिए वो पॉसिबल ना होके ये जो पॉइंट होगा ये एंडरसन के लिए रहेगा कैसे कि ये जो पॉइंट था ये रूज स्टैनली uh, में और एंडरसन के बीच में कॉमन होगा देन इसके बाद में एंडरसन और स्टैनली खत्म हो गया देन स्टैनली और बुश का लिंक आ गया कि भैया यहां पे होगा स्टैनली यहां पे रहेगा बुश देन इसके बाद में बुश और रॉजर का है तो मतलब टू इयर्स यहां पे हुए देन यहां पे मेरा रॉजर हो गया यहां पे 51 से डेटा स्टार्ट हुआ ये 51 से डेटा स्टार्ट हुआ फिफ्टी वन प्लस टू फिफ्टी आया 53, 55 आया 55 से 2 ऐड हुआ तो 57 आया देन 63, देन 69, 75, 79, 83. 83. तो ये आपका स्ट्रक्चर पूरा बन चुका है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनका आप आंसर दे सकते हो एक जो गड़बड़ यहां पे जरूर किया आई एम एस ने वो उन्होंने ये मेंशन नहीं कराया कि यार जो कोई गवर्नर होंगे वो रिपीट नहीं करेंगे ऐसा नहीं हो सकता कि यार एक गवर्नर आया मान लो बुश आया तो बुश जो है बुश बुश के बाद बाद में में एंडरसन आया आया देन उसके बाद में बुश आया। ऐसा पॉइंट गिवन नहीं है कि यार एक बार अगर गवर्नर बना तो अगर वो हटेगा तो दोबारा नहीं आ सकता यूनिक टाइम ही आ सकता है बार बार नहीं आ सकता कुछ पॉइंट इसके रिलेटेड मेंशन होना चाहिए था जो कि मेंशन नहीं है कहीं पे भी तो इस अगर ये पॉइंट को हम इग्नोर कर देते कि यार वो एक साथ आ सकते हैं नहीं आ सकते तो हमारे पास मल्टीपल केसेस बन सकते हैं और क्वेश्चंस का कोई भी रेलिवेंस नहीं रह जाता गलत गड़बड़ हो जाती सारी की सारी तो ये पॉइंट ज़रूर गलत था एमएस के एंड से बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं क्वेश्चन अच्छा है लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत नॉर्मल है बस बात यह है कि यार हम सोचते कैसे हैं अगर थोड़ा भी वे चेंज करेंगे अपने सोचने में तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं इसको आप एक बार खुद से बना के देखना तीन मिनट चार मिनट से ज्यादा ये किसी भी एंगल से ले ही नहीं सकता आपका मैक्सिमम जो इतना ही टाइम लेगा इससे ज्यादा आपका टाइम ये नहीं लेके जाएगा ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा अगर अच्छा लगा हुआ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एज वेल दैट विल बी ऑल थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट बाय